नमस्कार, कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट था, एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका फिफ्थ पार्ट अब हम करने जा रहे हैं। 5 + 2x हमें दिया है कि इसको x³ + 3x² + 3x + 1 से भाग कीजिए। अब यदि हम इस 5 + 2x को देखें, 5 + 2x को देखें, यदि इसको 0 के बराबर रख दें तो 2x किसके बराबर आ गया, 5 यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाके हो गया माइनस, और x जो है 2 इधर गुना हो रहा है उधर जाके हो जाएगा भाग। तो x की वैल्यू आ गई -5/2, इसका मतलब x का शून्यक आ गया -5/2। x शून्यक का शून्यक बराबर -5/2। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय कहते हैं यदि इसे इससे भाग करना हो तो शेषफल कितना होगा, जितना x का शून्य का आया। तो शेषफल किसके बराबर होगा, p ऑफ a आया है -5/2। इसका मतलब ये है, ये जो इक्वेशन है इसमें x की जगह लिखेंगे -5/2। देखो ये है x क्यूब, तो मैं लिखूंगा -5/2 का क्यूब प्लस 3 आगे है x² यानी -5/2 का स्क्वायर प्लस आगे है 3 x की जगह है -5/2 आगे है +1 आगे है +1 बराबर। अब इसको हम सॉल्व करते देखो, माइनस का क्यूब होता है माइनस, 5 का क्यूब 5 × 5 = 125 और 25 को फिर 5 से गुना किया तो 125, इसका मतलब 5 का क्यूब आ गया 125 बटा 2 का क्यूब, 2 × 4 = 8। फिर आगे माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 5 का स्क्वायर होगा 5 × 5 = 25, 25 को जब 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 75 बटा 2 का स्क्वायर 2 × 4 प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस नहीं है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वो प्लस इस प्लस से गुना होगा तो प्लस आ जाएगा। आगे प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 × 15 / 2 प्लस 1। अब ऐसे सवालों में इसके नीचे यदि कुछ नहीं है तो 1, इन चारों का लघुत्तम ले लो। और हमने पहले भी ऐसे सवाल किए हैं कि जहां पर एक नंबर सबके पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में 8 आता है, 2 के पहाड़े में भी 8 आता है, 1 के पहाड़े में भी 8 आता है, ऐसी संख्याएं हो हरों में तो जो सबसे बड़ी संख्या जिसके पहाड़े जो सबके पहाड़ों में आ रहा है वही लघुत्तम होता है, यानी लघुत्तम आ जाएगा 8। अब इस 8 को नीचे वाले से भाग करेंगे, जो उत्तर आएगा उसको ऊपर वाले से गुना। देखो 8 को 8 से भाग किया 1, 1 को ऊपर -125 से गुना किया तो -125, आगे प्लस का निशान है तो प्लस डाल देंगे, 8 को 4 से भाग करेंगे 4 × 8, 8 को 4 से भाग कर क्या है 2, उस 2 को ऊपर 75 से गुना कर देंगे, 75 × 2 होता है 150, आगे है माइनस 8 को 2 से भाग कर दो, 2 × 8, 8 को 2 से भाग कर क्या है 4, 4 को ऊपर 15 से गुना कर देंगे, 15 × 60 प्लस 8 को 1 से भाग किया 8, उस 8 को ऊपर 1 से गुना कर दिया तो 8। अब इसको हम हल करेंगे, नीचे देखो हर में है 8, अब जो माइनस वाली रकम है उसको अलग से प्लस कर लो, -125 है और -8 है, इनको प्लस कर लो 5, 12 और 6, 18, तो ये आ गया -185। प्लस वाली रकमों को अलग प्लस कर लो, प्लस वाली एक रकम है +150, दूसरी प्लस वाली रकम है 8, तो ये आ गया 158, तो +158। अब इसको हल करेंगे, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 185 में से 158 माइनस कर दो, 15 में से 8 गए 7, यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 गए 2, 1 में से 1 गया 0, साइन बड़ी रकम का -8, तो यही हमारा शेषफल है, यही हमारा शेषफल है जो हमें प्राप्त करना था। ठीक है बच्चों, तो हमने देखो बिना भाग किए शेषफल प्रमेय के हिसाब से ही x का शून्यक लेकर और शेषफल प्राप्त कर दिया, शेषफल आया -23/8। इसका मतलब जब इस बहुपद को 5 + 2x से भाग करेंगे तो हमारे पास जो शेषफल आ जाएगा वो -23/8 आ जाएगा। धन्यवाद।